हल्द्वानी की रालकुआ में एक युवती को बंधक बनाकर घर में लूट के मामले का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया। युवती को बंधक बनाकर लूटपाट के मामले में युवती के भाई और उसकी मां ने कोतवाली में तहरीर दी थी। इसके बाद जांच के दौरान पुलिस ने सबसे पहले परिवार के सदस्यों से ही कड़ी पूछताछ की, जिसमें पूरी कहानी मनगढ़ंत निकली और युवती के दो सगे भाइयों ने ही घटना को अंजाम दिया था। वहीं पुलिस ने बताया कि दोनों युवकों की बहन से मिलने एक दीपक नाम का शख्स आया था, जो उन्हें देखकर भाग गया, जिसके बाद दोनों युवकों ने बहन के साथ मारपीट की और पुलिस को सूचना दे दी कि उनके घर में लूटपाट की गई है, जिसके बाद पुलिस ने जांच के बाद मामले का खुलासा किया है। में एक लड़की को बंधक बनाकर उसके लूटपाट हो गई है, उसमें कैश और जेवरात वगैरह चले गए। इस विषय को हमने बड़ा गंभीरता से लिया। तत्काल हमने तीन टीमें बनाई और लोकल में पूछताछ करी, अपने मुखबिर भी मामूर किए और SOG वगैरह का जो सर्विलेंस सेक्शन है उसको हमने सक्रिय किया, और उससे हमें जो है चीज़ें जो सामने आई वो इस तरह की थी कि घर के ही सदस्य उसमें शामिल हमें मिले, और जो वादनी थी उसी के दोनों लड़के थे, उन्होंने ही इस लूटकांड को एक तरह से प्रायोजित तरीके से अंजाम दिया था।